संयुक्त राष्ट्र जलवायु एजेंसी प्रमुख ने लोगों को चेतावनी दी, दुनिया को बचाने के लिए 2 साल का वक्त, 2025 तक धरती पर कार्बन प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना होगा। दुनिया को बचाने के लिए धरती पर रहने वाले लोगों के पास केवल 2 साल का समय बचा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु एजेंसी प्रमुख साइमन स्टील ने बुधवार को चेतावनी दी और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाने को आह्वान किया। स्टील ने कहा कि दुनिया के देशों की सरकारों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने को नई योजनाओं के लिए 2025 की समय सीमा दी गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 साल का समय बचा है। साइमन स्टील ने लंदन में मैथम हाउस थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा, उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, वही इस बार बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए धन जुटाने को भी कम समय बचा है। उन्होंने कहा, इस सब के बीच हमारी चेतावनी नाटकीय लग सकती है, पर वास्तविकता यह है कि अगले 2 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई बहुत आवश्यक है। वहीं ग्रीन हाउस बनाने पर जोर, जलवायु सचिव साइमन स्टील ने गैस उत्सर्जन में गिरावट के लिए ग्रीन हाउस बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी उत्सर्जन से बचाव का उपाय करने के लिए समय है। इस क्रम में अब जलवायु की मजबूत योजनाएं बनाने की जरूरत है। वहीं G20 देशों से आर्थिक सहायता की मांग, जलवायु सचिव ने वित्तीय सहायक की अपील की। इसके लिए उन्होंने बैंकों और दुनिया की 20 सशक्त अर्थव्यवस्था G20 से अधिक धन देने का कहा। दुनिया में तापमान बढ़ाने वाले उत्सर्जन में इन देशों की 80% भागीदारी है। स्टील ने कहा कि धरती पर यदि कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन यूं ही बढ़ता रहा तो धरती पर हालात बिगड़ जाएंगे।